नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। उद्धव का पीएम मोदी को खत, जीएसटी रिटर्न में मोहलत तो और गरीबों को नगद सहायता देने की मंजूरी का आग्रह। प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए योगी सरकार ने जारी किया प्रोटोकॉल, दिए निर्देश। कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी का रोड शो, जया बच्चन भी हुई शामिल। हरियाणा सरकार ने रद्द की 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा पर फैसला अभी नहीं। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव का कोरोना संक्रमण से निधन। सीजेआई एसए बोबडे बोले, अब समय आ गया कि मुख्य न्यायाधीश महिला होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज, कचरा फेंकने वाली गाड़ी में शवों को लाया जा रहा। वाराणसी में व्यापार मंडल का ऐलान, शनिवार और रविवार को व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने का लिया निर्णय। आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव में दहेज प्रथा का मुकदमा वापस लेने के लिए की मारपीट, पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। क्या नाम है आपका? फैसली बेगम। कहाँ के रहने वाले हैं? कौड़िया थाना फूलपुर। क्या मामला है, आप यहाँ आए हैं? हमारे घर पे भैया खड़े आए थे, घर में घुस के मार के सब चले गए। के मार के? लड़की की शादी किए हैं, वो लड़की से करे दुश्मना लेके हमारे पूरी परिवार का मार के सुताई थी सर। के? लड़की का देवर। कहाँ नाम है? माजिद आवासी आवासी। थाने गए थे? हाँ, थाने पे कोनो सुनवाई हमारी नहीं। तो यहाँ क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते थे कि वो सब पकड़ के हमारे सामने मारे जाएं, हमारी घाव की मार वापस आ गई। बेटे की परवरिश करने पर बोले विराट कोहली, ये हमारे लिए जिंदगी बदलने वाला अनुभव है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।